यहाँ पर आए हूँ नगरकटा क्षेत्र में। आज यहाँ का जो टीएमसी का कार्यकर्ता लोग, यहाँ का प्रेसिडेंट और पंचायत का मेंबर और प्रधान उप प्रधान और टीएमसी का विभिन्न कार्यकर्ता लोग सभी का साथ मुलाकात किया है। और छोटा सा छोटा हम लोग एक भेंटघाट है, अब मैं कुमार गांव जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि अब हमारा एक मकसद है कि हमारा ये डुअर्स एरिया में हम लोग टीएमसी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एक मिलकर हम लोग आगे जाके काम करना चाहता हूँ। और मैंने यही कंसेप्ट लेकर अभी आया हूँ। तो आने वाला दिन में 2021 का मेन थीम है, जो थीम में हम लोग ममता बनर्जी को हम लोग एक अच्छा सा अच्छा एक रिजल्ट देकर उसको एक बार फिर चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट मेरा है और इसीलिए मैं दिन रात एक करके मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बिमल जी, आपने कहा है कि जॉन बिरला जीते, जैसा आपकी का बदौलत एमपी बना था, लेकिन जॉन बिरला, मनोज तिग्गा, कोई भी बोलो ना, वहाँ पर जितना भी है मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। टिकट दिलाने के लिए मैंने काम किया, टिकट दिलाया। अभी एमपी है, वो एमएलए है, तो कल का राजनीति बदल जाएगा। जो भी है मैं काम कर रहा हूँ, गाँव में जाऊँगा, उसका घर में भी जाऊँगा। गुरुङ ज्यू, 12 वर्ष पछि थाहा पाउनु भयो बिजेपीले धोका दियो भनेर, तीनवटा एमपी जिताउनु भयो, फेरि कसरी त्यो यत्रो वर्ष अनुभव गर्नु भने कि बिजेपीले धोका दिन सक्छ भनेर? फर्स्ट टाइम जो मैले सपोर्ट किया, उस टाइम जसवन्त सिंह था, उस टाइम सरकार नै आया। जैसा भी हूँ मैं ये काम करूँगा, ये संकल्प पत्र होता है। जो काश्मीर का विभाजन करके, डिवाइड करके, अभी लद्दाख को यूटी दिया और तीन तलाक को पास किया, एनआरसी को पास किया, ये एक जो ये संकल्प पत्र में वहाँ पर लिखता था, इसीलिए उसको वहाँ काम किया। यही बात हमारा भी था, 11 जात गोष्ठी परमानेंट पॉलिटिकल सर्विस, ये बात अभी तक नहीं किया। तो किस लिए नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये हमने वहाँ बैठ कर देखा कि बीजेपी ये जो हम लोग का ऊपर इतना धोखाधड़ी करके काम कर रहा है, जो एक राजनीतिक में सिर्फ वोट डालने के एक मिशन का तरीका से हम लोग को देखा है। तो ये सब समझकर हमने देखा कि अभी ये अच्छा नहीं होगा, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बिमल गुरुङ जी, अलिपुरद्वार कन्स्टिट्युएन्सी में 8 ब्लक छ, सबभन्दा लिड भोट नगरकटा ब्लक बडा जोन मारेले पाएको छ, यो भोटलाई कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, के रणनीति अपनाउनुहुन्छ इसको? पोलिटिक्समा भाई, पोलिटिक्समा आज दो दिन में या तीन दिन में पलक चाहिएगा। कोही भी बिमल जी, नगरकटा एरिया में मैंने आगे भी बहुत सपोर्ट किया, रातों रात यहाँ पर जिता के भेजा था। होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, अब तो अच्छा होगा। ये एरिया में एनपी सीट जोन बिरला जिता के किया, जीत गया, तो अभी एमएलए वो जीत नहीं पाएगा बीजेपी। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा था कि एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ से होने के लिए, तो कई लोगों का कहना है कि गणेश उराव का नाम जैसे आने का, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो इतना ही पर्सनल व्यू से, मैं तो क्या ना, एक सामाजिक दृष्टिकोण से आज मैं प्रेसिडेंट का साथ मुलाकात हुआ, भाई का साथ मुलाकात हुआ, ये घर में आया हूँ, ये ना समय समझिए कि इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कल क्या है, कैसा है, ये टीएमसी पार्टी करेगा तय, और मैं सपोर्ट करूँगा। कुछ ना कुछ तो बात तो मेरे को पूछेगा, हाँ तब मेरा बात। 2 फरवरी कहाँ पर मीटिंग है आपका? 2 फरवरी ये उस जो जोन बिरला का लक्कीपाड़ा में ही करें, लक्कीपाड़ा में उसका घर का आगे। बिमल जी, 2009 में जो घटना अगि भी तभी दोहराने भाई स्मरण भी करूँ, आज तब आने खबर ने नगरकटा का मानस गोरखा को धेरे उत्साहित, तीमधे धेरे यहां से 17 जस्त परिवार अभी आशावादी क्योंकि वहाँ को घर जले थे, धेरे क्षति बिहोर्न पड़े थे, वहाँ सरकारी क्षतिपूर्ति संबंध भी समय लिएन के भू अज मैं सत्ताधारी दलसंग हाथ मिला मिला सुर्ता नगर